यूट्यूबर है, आखिर में मनीष कश्यप है कौन? मनीष कश्यप आप जैसे हम जैसे आम आदमी है, आम इंसान है, यूट्यूबर है। जब तमिलनाडु की साइड से कपिल सिब्बल जी नहीं थे, उसके बाद मैटर उन्होंने कहा वो एंड ऑफ द बोर्ड लेंगे। एंड ऑफ द बोर्ड उन्होंने अभी जब हमने लंच टाइम पे मेंशन करा तो उन्होंने कहा कि हमें रिप्लाई फाइल करने के लिए NSA का टाइम चाहिए। देखिए वेट तो हम भी मनीष जी के साथ कर ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा और इतना सा वेट कर लिया तो बस थोड़े दिनों की और बात है, फिर चीज़ें अच्छी हों। सुनवाई होने वाला था मनीष कश्यप को लेकर, क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आया है? देखिए आज सुनवाई नहीं हो पाई जैसे आज होनी थी, आज मॉर्निंग में मैटर टेकअप हुआ था, बट एज सामने वाली पार्टी से स्टेट ऑफ तमिलनाडु से कपिल सिब्बल जी अवेलेबल नहीं थे, तो मैटर पास ओवर कर दिया था। उन्होंने NSA की बात पर ही आज टाइम लिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप पर क्या जो NSA एक्ट लगाया गया है वो NSA एक्ट हटेगा? देखिए उनका क्या रिप्लाई आता है उसी तरीके से हम अपनी बहस करेंगे कि वो हटना चाहिए या कैसे होना चाहिए। एक बार उनका रिप्लाई आ जाए, 8 मई की डेट आ जाए, फिर इससे पहले तमिलनाडु से बिहार आ सकते हैं। 8 मई को पता चलेगा कि कब बाहर आएंगे, अभी तो इससे पहले तो कुछ नहीं। केस क्लबिंग को लेकर जो मामला है वो भी चल रहा था कि सारे केस को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, इसको लेकर क्या अपडेट है? आज कोई अपडेट नहीं है उसके लेके, आज पूरी पिटीशन ही लगी हुई थी जिसमें क्लबिंग भी है और NSA भी है। हाँ। तो आज दोनों में कोई सुनवाई नहीं हुई है, उन्होंने सिर्फ NSA के लिए आज टाइम मांगा है। अभी हम देश की राजधानी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं और हमारे साथ मनीष कश्यप जी के एडवोकेट हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार आज मनीष कश्यप को लेकर क्या कुछ फैसला है। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा ये बताइए कि आज जो है सुनवाई होने वाला था मनीष कश्यप को लेकर, क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आया है? देखिए आज सुनवाई नहीं हो पाई जैसे आज होनी थी, आज मॉर्निंग में मैटर टेकअप हुआ था, बट एज सामने वाली पार्टी से स्टेट ऑफ कपिल सिब्बल जी अवेलेबल नहीं थे, तो मैटर पास ओवर कर दिया था। उसके बाद अभी लंच में हमने मैटर मेंशन करा तो उनकी साइड से उन्होंने क्या कारण था कि पहले लंच से पहले जो है कपिल सिब्बल जो है तमिलनाडु सरकार के तरफ से जो एडवोकेट है वो अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे? जी वो तो वो बेहतर जानते हैं, हमें तो नहीं पता कि वो अवेलेबल नहीं थे। इससे पहले जो सुनवाई हुआ था उसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया था कि NSA क्यों लगाया गया, तो इसको लेकर आज कुछ फैसला नहीं हुआ है? नहीं, उन्होंने NSA की बात पर ही आज टाइम लिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप पर क्या जो NSA एक्ट लगाया गया है वो NSA एक्ट हटेगा? देखिए उनका क्या रिप्लाई आता है उसी तरीके से हम अपनी बहस करेंगे कि वो हटना चाहिए या कैसे होना चाहिए। एक बार उनका रिप्लाई आ जाए, 8 मई की डेट आ जाए, फिर पता। इससे पहले बिहार सरकार से जवाब मांगा गया था तो उसमें राजनेता बोला गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो राजनेता है, यूट्यूबर है या फिर पत्रकार है आपके नजर? देखिए वो हमारी नजर में एक जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर जर्नलिस्ट है, बाकी आम जनता या बाकी पब्लिक उन्हें क्या कहती है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा आपको क्या लगता है कि कब तक वो तमिलनाडु से बिहार आ सकते हैं? 8 मई को पता चलेगा कि कब बाहर आएंगे, अभी तो इससे पहले तो कुछ नहीं। केस क्लबिंग को लेकर जो मामला है वो भी चल रहा था कि सारे केस को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, इसको लेकर क्या अपडेट है? आज कोई अपडेट नहीं है उसके लेके, आज पूरी पिटीशन ही लगी हुई थी जिसमें क्लबिंग भी है और NSA भी है। हाँ। तो आज दोनों में कोई सुनवाई नहीं हुई है, उन्होंने सिर्फ NSA के लिए आज टाइम मांगा है और 8 मई की डेट लगाई है। अच्छा तो क्या लगता है कि 1 मई को जो सुनवाई होगा उस दिन NSA हट सकता है मनीष कश्यप? देखिए बहस होगी तो जानते हैं क्या होता है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं। हाँ। बट जिस दिन पता चलेगा 8 मई को। अच्छा 8 मई को पता चलेगा। जी जी जी। तो आप लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं मनीष कश्यप के वकील को लेकर, भी बहुत सारे लोग के मन में कन्फ्यूजन है कि कौन से वकील हैं, कौन से वकील है जो मनीष कश्यप वाले मामले को देख रहे हैं? देखिए डे 1 से जिस दिन से ये मैटर आया है हमारे पास, तो उस दिन से ये मैटर आदित्य देशवाल, मेरा नाम रिदम अरोड़ा है, और हमारे जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो अनंत प्रसाद मिश्रा है, हम तीनों के पास ही ये मैटर है और डे 1 से हम ही। आप लोग मिलके NSA एक्ट क्या हटवा देंगे मनीष कश्यप के ऊपर से जो लगा है? न्याय बताएगा, हम नहीं कुछ कर सकते, हम तो बस सारी चीजें आगे पेश कर सकते हैं। हाँ। बाकी फैसला न्यायालय से होगा तो वहीं पता चलेगा। चलिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ी। बाकी अभी हम दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हैं और जैसा कि सारे लोग कयास लगा रहे थे कि आज मनीष कश्यप को लेकर सुनवाई होगा, हालांकि किसी कारण से सुनवाई तो नहीं हुआ और अगला डेट जो है फिर 1 मई को जो है सुनवाई होने वाला है। ऐसे में ये देखना होगा कि मनीष कश्यप को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट आता है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो कोर्ट के द्वारा जो है तमिलनाडु सरकार को नोटिस भेजा गया था कि आखिरकार मनीष कश्यप पर NSA एक क्यों लगाया गया है। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।
तमिलनाडु सरकार ने बोला है कि हम एनएसए नहीं हटाएंगे और ना ही हम उनको छोड़ने वाले हैं, ना ही एफआईआर बंद होने वाली है। देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि क्योंकि मैटर सुबह से जब टेकअप ही नहीं हुआ तो ये सब बातें बहुत ही बेफजूल की बातें हैं। ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैटर बस इतना ही है कि सुबह मैटर आया, वो रीच किया, पास ओवर हो गया क्योंकि स्टेट ऑफ तमिलनाडु की साइड से कपिल सिब्बल जी नहीं थे। उसके बाद मैटर उन्होंने कहा वो एंड ऑफ द बोर्ड लेंगे। एंड ऑफ द बोर्ड उन्होंने अभी जब हमने लंच टाइम पे मेंशन करा तो उन्होंने कहा कि हमें रिप्लाई फाइल करने के लिए एनएसए का टाइम चाहिए बस। मनीष कश्यप के समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे उनको और कितना वेट करना पड़ेगा? देखिए वेट तो हम भी मनीष जी के साथ कर ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा और इतना सा वेट कर लिया तो बस थोड़े दिनों की और बात है, फिर चीज़ें अच्छी होंगी। मैम आज 28 तारीख को बड़ी सुनवाई होने वाली थी, फिर डेट क्यों टल गया? डेट इसलिए टल गया क्योंकि स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने टाइम लिया है कि उनको जो एनएसए पे हमने अमेंडमेंट करी है, हमने पिटीशन हमने अमेंड करी है, उस पे उनको रिप्लाई के लिए और समय चाहिए जी, और समय की जरूरत है, और समय की जरूरत है। तो क्या ये तारीख पर तारीख होता रहेगा मैम या न्याय की भी बात होगी? नहीं न्याय की बात होगी, न्याय की बात ही हुई है 21 तारीख को भी, तो अभी भी होगी और मेरा मानना ये है कि 8 मई को फैसला हो जाएगा। बिहार के बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो मनीष कश्यप को अपना आइडियल मानते हैं, वो चाह रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द बाहर निकले, क्या उनको क्या संदेश देना चाहिए? देखिए आइडियल चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि वो थोड़ा जल्दी बाहर आ जाएं, बट देखते हैं अब जैसे प्रोसीजर पूरा चलता है, प्रोसीजर को तो हम नहीं ताप कर आगे जा सकते, तो जैसे ही प्रोसीजर एक बार कंप्लीट हो जाएगा फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक और बात क्लियर कीजिए मैम, केस को क्लब करना? नहीं आज कोई चर्चा नहीं हुई, आज सिर्फ इतनी ही चर्चा हुई कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने वक्त लिया है टू फाइल रिप्लाई। मैम एक बात क्लियर कीजिए, मैम एक बात क्लियर कीजिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पत्रकार है, कुछ लोग कह रहा है नेता है, कुछ लोग कह रहा है यूट्यूबर है, आखिर में मनीष कश्यप है कौन? मनीष कश्यप आप जैसे हम जैसे आम आदमी है, आम इंसान है, यूट्यूबर है, आप लोग जानते हैं वो जर्नलिस्ट हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग अभी अपना काम कर रहे हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। आखिर उनको नेता बना दिया जा रहा है, यूट्यूबर बना दिया जा रहा है, पत्रकार बना दिया जा रहा है। इस चीज़ में तो मैं कोई भी टिप्पणी नहीं दूंगी क्योंकि ये चीज़ें हमारी है नहीं, मेरा काम है वकालत काम करना, आपका काम है जर्नलिज्म करना, हम दोनों अपना बेहतर बेहतर काम करें तो हो जाएगा। एक सवाल है मैम, जब इतना बड़ा रासुका लगा दिया गया तो नहीं लग रहा है कि टाइम और टाइम पीरियड और ज़्यादा चाह रही है तमिलनाडु पुलिस? देखिए हमने शायद सबूत ना हो कि रासुका हम लगाए, हम शायद देखिए अब ये बात तो वो तभी सामने आएगी जब कोर्ट में वो अपना रिप्लाई लेकर आएंगे, उसमें उन्होंने क्या मेंशन करा है उसी से पता चलेगा कि वो कहना क्या चाहते हैं एनएसए पर। मैम कपिल सिब्बल जो है वो बहुत बड़े एडवोकेट हैं, जो भी केस हाथ में लेते कभी हारते नहीं है, तो मैम क्या चुनौतियाँ होंगी इसमें? चुनौतियाँ यही है कि हर कोई हर बारी हर किसी का पहली बार होता है, देखते हैं क्या होता है। इस बार पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं है कि वो जीतेंगे या हम जीतेंगे या वो हारेंगे या हम हारेंगे, जो सच है वही होगा। मैम आपने कभी मनीष कश्यप से ऑफलाइन या फोन पे या कैसे भी बात की? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, उनके 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 जो भाई वगैरह हैं वही हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारी मनीष कश्यप जी से पर्सनली कभी बात नहीं हुई। क्या परिवार के लोगों का क्या दशा है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए? परेशान है, सब लोग परेशान है, वो वेट कर रहे हैं, वो रहे हैं, उनके भाई हैं, वो परेशान ही हैं सब। अब सबकी दशा सेम ही है, जो उनके समर्थकों का हाल है वही हमारा हाल है, वही उनके रिश्तेदारों का हाल है। कब मिला है ना? 8 मई का डेट है। 8 मई, हाँ जी। क्या उस दिन लग रहा है कि सारा कुछ कुछ हो सकता है? उस दिन हो जाएगा क्योंकि अब उन्होंने टाइम ले लिया है तो अब वो और डिले नहीं करेंगे, तो 8 मई को हो जाएगा। मनीष कश्यप के जो पर्सनल वकील है और आप है, क्या तैयारियाँ रहेगी 8 तारीख का? सर कोई पर्सनल वकील नहीं है, वकील आदित्य देशवाल है और मैं हूँ। तैयारी सर यही है बस, अब न्याय दिलवाना है, तैयारी हमारी पूरी है। अब जब 8 मई को, हम तो आज भी तैयार थे, आज अनफॉर्चुनेटली अब नहीं आया मैटर, उन्होंने टाइम ले लिया, तो 8 मई को हमें लगता है कि ये हो जाएगा। थैंक यू, 8 मई को क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो नहीं आज कोई बात नहीं हुई है केस मर्ज को लेकर, क्लब करने को लेकर आज कोई बात नहीं हुई, आज सिर्फ समय लिया है उन्होंने 8 तारीख तक का, ताकि वो अपना रिप्लाई जो है वो टाइम से एनएसए पर फाइल कर सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।